अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा, थोड़ी आवाज भैया, थोड़ी आवाज और तेज करो। भगवान श्री सीताराम जी के, महाप्रभु जी के चरणों में कोटि से वंदन। हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु भगवान के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए कथा व्यास परमहंस श्री राम प्रसाद जी मेन जी महाराज, हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री 1008 भगवान दास जी महाराज, मंचासीन विराजमान विद्वज्जन त्यागी वैरागी वीतरागी समदर्शी सब महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कथा पंडाल में विराजे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, मातृशक्ति आप सभी का दाता श्री ब्रह्मलीन गुलाबदास जी महाराज के इस पवन पवित्र प्रसंग में विराजे सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आप कितने भाग्यशाली है, हमारे पूज्य दाता गुरु गुलाबदास जी महाराज की अर्ध शताब्दी में भाग ले रहे हैं, ये आप लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है। हमारे दादा गुरु श्री गुलाबदास जी महाराज ने ऐसा एक त्याग चलाया कि उन्होंने कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया। वो महान वृक्त संत थे, परमहंस थे, वो जंगल में ही रहते और जहां जहां गांवों में जाते मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करते, और गांव वाले लोगों को जब पता चलता तो गांव गांव लोग इकट्ठे हो जाते और महाराज सभी लोगों से राम राम करवाते, दूर दूर बैठ जाते 10-10 कदम दूरी पर और सांसों सांस राम राम करवाते। पूज्य महाराज श्री के शिष्य मंडली थी, जैसे जुक्ति राम जी महाराज, भक्ति राम जी महाराज, बाला सती जी महाराज, हमारे पूज्य बाप जी महाराज, ये सभी नाम लिवारी संत राम नाम में ही समय बिताते थे। वास्तव में आज भी उन महापुरुषों को याद करते हैं तो हमें परम शांति मिलती है, और आज ऐसा लगता है कि हमारे पूज्य महाराज श्री इस सभा में ही विराजमान है। ऐसे यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, कितना आनंद है। वास्तव में संत हमारे देखिए जीने की एक कला बता देते हैं कि किस प्रकार जीना चाहिए। संत हमें कौवे से हंस बना देते और हंस से परम हंस बना देते, संत हमें गुलाब के पुष्प बना देते। आप गुलाब का पुष्प रसोई घर में रखो तो भी खुशबू देता है, प्रांगण में रखो तो भी खुशबू देता है, दुकान में रखो तो भी खुशबू देता है। तो संत हमें जीने की कला सिखाते हैं। देखिए हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, विश्वविद्यालय भेजते हैं, वो डिग्रियां ले लेते हैं पर उन्हें जीना नहीं आता। वास्तव में वही संत है, वही गुरु है, वही माता पिता है जो अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दे। जन्म देने वाले देखिए माता पिता होते वो सामान्य माता पिता होते, जन्म देकर भाग्य भरोसे तकदीर पर छोड़ देते वो सामान्य माता पिता है। और देखिए अपने औलाद को धन दौलत प्रॉपर्टी कीमती कारण देने वाले वो मध्यम श्रेणी के माता पिता होते, और सच्चे माता पिता और गुरु वही होता है जो अपनी संतान को अपने भक्तों को सही संस्कार देकर और प्रभु की गोद में बैठा देते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, संत भगवान की। बहुत बहुत सम्मान पूज्य श्री हितमराम जी महाराज का, बड़ा सुंदर भाव आपने निवेदन किया। वास्तव में सच्चा सेण सो साईं मिला देवे, जग झूठा को झूठ बतावता है। पूज्य श्री हितमराम जी महाराज से निवेदन है, आपका बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद।
पूज्य संत श्री नमीराम जी महाराज, आप दोनों संत साक्षात नर नारायण के रूप में हैं और भारतवासी विराजते हैं और आज हमें अनवर नाम की साधना सिखाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बहुत बहुत सम्मान, ये त्यागी संत है हमारी परंपरा के। आज भी पावन संतों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में विराजमान है पूज्य श्यामदास जी महाराज, आप भी बहुत ही सुंदर इस मारवाड़ की जनता को अपनी ज्ञान भक्ति की त्रिवेणी में सदा डुबकी लगवाते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत सम्मान। मैं निवेदन कर रहा हूं, श्यामदास जी महाराज ने कहा कि मैं तो अभी कई दिन ही हूं, बहुत बहुत सम्मान। कई भक्त लोग पीछे से उठते हैं, वे देखते हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, देखो संत अपने लिए कहां से कहां तक इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं और हम संतों को पूर्व दिखा करके जाने, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक संत मंच पर रहते हैं जगह नहीं छोड़नी चाहिए, ये संतों का सम्मान है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जब तक संत मंच पर रहते हैं तब तक कोई भी जगह छोड़ने की उतावली नहीं करें, क्योंकि बड़ा सुंदर ये आयोजन हो रहा है और समय का अतिक्रमण नहीं होगा। आप लोगों से निवेदन है, अपने 8 से 10 बजे का ये कार्यक्रम है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पूज्य उमेद राम जी महाराज इसी पावन परंपरा के पूज्य संत हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग में भी आप लंबे समय तक रहे हैं और साथ में ही मारवाड़ की धरा पर हमेशा गांव गांव में घूम करके राम नाम का प्रचार करते रहते हैं और लंबे समय से आपने संतों का सानिध्य प्राप्त किया है और राम प्रकाश जी महाराज भी आपके चरणों में रह करके साधना में लगे हैं, तो आपका आशीर्वचन उद्बोधन हमें मिलेगा। पूज्य संत श्री उमेद राम जी महाराज। राम 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भागवत भगवान की, श्री नरसिंह जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, दाता श्री सदगुरुदेव भगवान बाबजी महाराज गुलाबदास जी महाराज की। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। अवनी भार उतार वार सकल सुधारण काज, नोखा नगर में अवतरे श्री सदगुरु गरीब निवाज। ये दरिया की विनती तुम सेती महाराज, तुम भृंगी में कीट हो मेरी तुमको लाज। परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार प्रणिपात बंदन, भागवत भगवान के चरणों में बार बार बंदन, व्यास पीठ पर विराजमान परमहंस श्री पूज्य रामप्रसाद जी महाराज के चरणों में बार बार बंदन, हमारे रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य श्री भगवान दास जी महाराज के चरणों में बार बार बंदन, सभी विद्वत समाज संत समाज के चरणों में बार बार बंदन, श्रद्धामय माताओं बहनों और भाइयों, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैंने पुस्तकें बहुत पढ़ी है,
और अभी अभी आपके सामने हमारे शास्त्री जी हितमराम जी महाराज जो कह रहे थे हमारे गुरु भयों की बात, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की बात, हमारे गुरु भयों की कृपा से, मूर्तिराम जी महाराज की कृपा से, मैंने भक्तिराम जी महाराज की कृपा से भागवत 8-8 घंटा मैंने भागवत जो है संतों को सुनाई है। पूज्य हमारे जुक्तिराम जी महाराज, भक्तिराम जी महाराज, मूर्तिराम जी महाराज, निर्मल राम जी महाराज, कन्हैराम जी महाराज, घनश्याम जी महाराज, ये सब त्यागी महात्मा थे। इन्होंने मैंने 8-8 घंटा भागवत सुनाई है। मेरे गुरु महाराज कृपा, पूज्य पाद प्रातः सुमरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरु भ्राता श्री बाप जी सती जी बाप जी को आखिरी में मैंने जो 8-8 घंटा एक महीना तो भागवत सुनाई, अंतिम समय बाप जी महाराज को मुझे कुछ भाषा नहीं आती, पूरी मारवाड़ी बोलनी मैंने आती नहीं है। तो क्योंकि मैंने कोई डिग्री प्राप्त की नहीं, स्कूलों में ज्ञानी, परंतु मुझे इन जो है स्वामी जी महाराज की, रामसुखदास जी महाराज की, मूर्तिराम जी बाप जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भक्तिराम जी महाराज की मेरे पर बहुत बड़ी कृपा रही है। सजनों मैं क्या बताऊं, बाप जी गुलाबदास जी महाराज बड़े विचित्र महापुरुष थे। भगवान को मैंने देखा नहीं, पर मैं गीता पढ़ने के बाद में भगवान की सत्ता का अनुभव मुझे हो रहा है कि भगवान की सत्ता विचित्र है। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है और मैं जो कह रहा हूं ये सब मेरे गुरुदेव भगवान बाप जी गुलाबदास जी महाराज की कृपा है। वो एक विचित्र महापुरुष थे। वो मैं वैसे बचपन से ही 15-16 वर्ष का मैं साधु हो गया था, लेकिन गरवाला ने पकड़ के वापिस ले आए, फिर मेरी ब्याह शादी कर दी और मैं अपने जो है गृहस्थ काम में लग गया था। अचानक नोखा कमरे में मुझे बाप जी गुलाबदास जी का दर्शन हुआ, फिर मुझे संसार अच्छा नहीं लगा। 3 साल दौड़ता रहा, मुझे संसार से निकाल दिया। बड़े विचित्र महापुरुष थे गुलाबदास जी महाराज। उनके सामने महाराज 20-30 संत जो है टाट बिछा करके खिड़कियों के नीचे भजन करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ज्यादा क्या कहूं, मैंने ज्यादा संघ जो है मेरे गुरु भैया का, रामसुखदास जी महाराज का 7 साल मैंने जो संघ किया, 5 साल उनके सेवा में रहा। और मैंने ये देखा है मेरी आंखों से, एक संत ने तो बांट दिया था और एक संत ने जला दिया था। ऐसे 2 महापुरुषों ने मेरे परमहंसों का जो है देखा कि इतने त्यागी मैंने और कोई नहीं देखा। रामसुखदास जी महाराज ने कहीं आश्रम नहीं बनाया और बड़े विचित्र महापुरुष थे। इतनी सरलता, इतनी दयालुता, कदा कल्याण की बात मुझे आधी रात में पूछो तो बताने के लिए तैयार हूं। तो मैंने जो है पुस्तक पढ़ने के बाद में ये देखा है कि मनुष्य केवल और कल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम सुलभ अंत दुखदाई। तो ये शरीर केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, पर भगवान का भजन जो है कब होता है कि आदमी सरोवर जाता है तो प्यास बुझती है। तो ये संत महात्मा जो पधारे हुए हैं, ये संत महात्मा कैसे हैं, साध सरोवर राम जल राग द्वेष कुछ नाय, दरिया पिए प्रित करे सो तृप्त हो जाए। तो ऐसे बाबी गुलाबदास जी महाराज थे। उनके जितने 20-25 जो शिष्य थे, जुक्तिराम जी महाराज, मूर्तिराम जी महाराज, कन्हैराम जी महाराज, घनश्याम जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में कहीं कुटिया कहीं नहीं बनाई है। तो कहो भाई मैं तो किसी प्रकार की योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने भी मेरे अभी तक अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई है कहीं। और हमारे बाबजी गुलाबदास जी महाराज जगह जगह जो है फैली जो है ये अलियास की नदी में नदी जो पानी होता था वैसी कुआं खोदे बेरा खुदाया, और जगह जगह जो है जीवन उद्धार करने के पुराने मंदिरों की जो है मरम्मत कराई, रेण धाम में संतों की एक भोजनशाला बनाई, और पुष्कर में जो है उदासीन आश्रम निर्वा आश्रम में जो है कमरे बनाए। पर ऐसे वो अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया। से भाई ऐसे जो संत महात्मा गुलाबदास जी महाराज, स्वामी रामसुखदास जी महाराज की कृपा से लगे हैं कि ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, कोई पता नहीं है। इनसे करना क्या चाहिए, बाबू गुलाबदास जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी ओर से कोई गलती नहीं है, गलती केवल यही है कि राम राम कम हुआ है। तो इस गलती को राम राम आदि करके दूर कर लो। अगर आपको राम राम में भजन नहीं लगता, आपका भजन लग जाएगा, मन लग जाएगा, कैसे कि आप भगवान से प्रार्थना करो।
भगवान से प्रार्थना करने से आपका भजन में मन लग जाएगा। ये वास्ते इन महापुरुषों के जो है विचित्र से ये जो एक आयुध रखा है, तो मुझे ये अपनी चीज प्यारी लगती है भाई। हमारे प्रातः सुमणीय आचार्य चरण भगवान दास जी महाराज ने बहुत बड़ा मठ बनाया है, उस मठ पर जो है आश्रम पर नाम लिखा है गुलाबदास बल्लम संत आश्रम, तो वो मुझे नाम बहुत प्रिय लगते हैं। ऐसे ही हमारे राम प्रकाश जी महाराज ने इतनी मेहनत करके एक भव्य यहाँ रामद्वारा बनाया है, उसमें लिखा सदगुरु गुलाबदास आश्रम। इसलिए इन संतों के प्रति मुझे बहुत मेरी श्रद्धा है और मुझे याद आते हैं नाम सुनता हूँ मेरे गुरुदेव का, तो मेरा जो है हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि मुझे भगवान से भी मेरे गुरु गुलाबदास महाराज प्रिय लगते हैं। नमस्ते भाई, अपना जीवन भजनमय होना चाहिए, इतना ही कहता हूँ। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहुत बहुत सम्मान पूज्य महाराज श्री का। हमारे बीच में चेन्नई से एक परिवार, फुकराज जी शिरवी, गौतम जी शिरवी, सुरेश जी शिरवी, आप चेन्नई से हैं। फुकराज जी ने भी 11,000 रुपये, गौतम जी ने भी 11,000 रुपये और सुरेश जी ने भी 11,000 रुपये संत सेवा में अर्पित किए हैं। मैं गौतम जी शिरवी जो चेन्नई से पधारे हुए हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, मंच पर पधारें, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में स्वामी रामपुरी जी महाराज जो नून पीठाधीश्वर है, मैं निवेदन कर रहा हूँ दो शब्द आप भी आशीर्वचन में हरिभक्तों को कहें। पूज्य संत श्री स्वामी रामपुरी जी महाराज नून पीठाधीश्वर, एक बार संतों का दोनों हाथ ऊपर उठा करके करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन।